तो यहाँ पे सभी ऑफिसर्स लोग आए तो बच्चे लोग को ट्रेनिंग देने के लिए आए हैं। एंड फिलहाल तो अभी यहाँ में फोटो सेशन हो चुका है फिलहाल तो। तो ये है हमारा स्टाफ रूम यहाँ में आनी है। हेलो बोल दो ना आनी। हेलो हाय। आनी है और यहाँ में सर लोग है, यहाँ पूरा सर लोग है। और ये है टूरिज्म लैब, यहाँ में सर अपना काम कर रहे हैं। सर आज कितनी तारीख है सर? आज कितना तारीख है? आज दे दीजिए 30 है। तो ये है हमारा टूरिज्म लैब, हम टूरिज्म लैब में सर अकेला काम कर रहे हैं। देख सकते हैं आज पूरा सफाई हुआ था यहाँ में। तो यहाँ में हमारे सर चौबे सर, चौबे सर कुछ बता दीजिए ना सर। क्या बताए? बता दो ना कुछ सर। हो जाएगा सर। चौबे सर है हम लोग का। सबसे पहले इंटरव्यू मैंने लिया मैडम को। अपना नाम बता दीजिए। सरोजनी राय। हाँ मैडम, अपना एक्सपीरियंस। और मैं यहाँ 32 ईयर्स काम कर रही हूँ नौकरी, और मैं BRS लेके जा रही हूँ। यहाँ अरुणाचल हमको बहुत अच्छा लगा, जाने का तो मन नहीं है लेकिन जाना पड़ेगा। आया तो जाना ही पड़ेगा। मतलब अभी कितना साल है आप, मतलब यहाँ? अभी मेरा 2 साल हाफ रह गया था। 2 साल रह गया। BRS लेके जा रही हूँ क्योंकि मेरा मिस्टर जा रहे हैं, नहीं मान रहे हैं। BRS लेके जा रहे हैं हम। अरुणाचल कुछ भी बोलो, सब जगह से घूम के आई हूँ मैं, पूरा राजस्थान, केरल, तमिलनाडु, कन्याकुमारी, उदयपुर, सब कहीं भी नहीं हमने छोड़ा है, सब घूमा है। लेकिन यहाँ जैसे शांति और साफ और दिल से अच्छे नेक जो आदमी हैं यहाँ के, वो लोगों के साथ में मैं रह करके बहुत ही खुश रही। और यहाँ के बच्चे हैं टीचर को इतना रिस्पेक्ट करते हैं। ये एरिया जो है, और आगे एरिया अरुणाचल का तो नहीं गई हूँ, लेकिन जो ये मोम्पा बेल्ट है मैं इसी में रही हूँ, तो बहुत ही हमको यहाँ अच्छा लगा। और यहाँ के बच्चे सुनते भी हैं टीचर्स का, और यहाँ का जो वातावरण है एकदम साफ सुथरा, कहीं चोरी नहीं, किसी के साथ में झूठ नहीं बोलना, ईमानदारी के साथ में रहना। हमारे नीचे वाले ही आते हैं तो कुछ कुछ झूठ सिखाते हो। ठीक है बेटा, बहुत ही अच्छा रहा। अच्छा लगा मैडम, थैंक यू सर। आपका एक्सपीरियंस थोड़ा बता दीजिए, शेयर करिए। ऐसे टीचर, मेरा एक्सपीरियंस ये है कि स्टूडेंट को फ्यूचर में अगर बच्चों को हम सच में इस समाज को सुधारने चाहते हैं तो बच्चों को हम बुकिश नॉलेज के अलावा भी कुछ मॉरल माइटिक नॉलेज, इस तरह का रिलीजियस बैकग्राउंड में जो मॉरल टीचिंग होता है वो भी इम्पार्ट करना चाहिए। क्योंकि बुकिश नॉलेज इट्स इट कन्फाइंड टू द बुक ऑनली, आउटसाइड नॉलेज इज ऑल्सो। और मोर ओवर द टीनेजर्स को हम इस तरह से गाइड करना चाहिए कि आजकल डिस्ट्रैक्ट करने के लिए फ्रॉम द मेन स्ट्रीम ऑफ एजुकेशन से डिस्ट्रैक्ट करने के लिए बहुत सारा, जैसे आजकल कम्पिटिशन है, मोबाइल गेमिंग है, उसमें पॉलिटिकल है, और ये रिलीजियस जो है, दीज आर द डिफरेंट फैक्टर्स दैट डिस्ट्रैक्ट द मेन फ्रॉम द मेन लाइन ऑफ द एजुकेशन। तो इसे अवॉइड करने से हमारा फ्यूचर अच्छा। सर कितना साल हो गया सर आपका यहाँ में ये स्कूल में? मैं इस स्कूल में 2006 से अभी तक हूँ, करीब 18 साल हो गए। 18 ईयर्स कंटिन्यूसली। और इसमें कैसा लगता है सर जगह? कैसा लगता है? ठीक, एवरीथिंग इज ओके। यहाँ में पीसफुल इन्वायरमेंट है, जिस तरह इस कंपेयर टू अदर डिस्ट्रिक्ट जहाँ में क्राइम होता है ये सब, यहाँ में सिर्फ इतना कमी है, बाकी सब अच्छा होने का एक जरूरत है कि यहाँ के बच्चे और ये समाज अगर एजुकेशन के ऊपर पर ज़्यादा ध्यान दिया जाए तो इट विल
be the number one headquarters district of the state, I think. Because of the mentality, यहाँ का जो है aggressive नहीं है, compassionate है, समझदारी है, सुनता है, समझते की कोशिश करता है. थैंक यू सर. सफाई कर रहे पूरा पूरा साफ सफाई यहाँ में बहुत ही होते ही होते हैं. हमें हर हफ्ता साफ होते हैं. आज एक्चुअली सैटरडे एक्टिविटी था तो उसके बदले यहाँ में सफाई किया गया है. एंड एनसीसी लोग भी यहाँ में काम कर रहे हैं, आप देख सकते हैं. ये है थोड़ा कंपाउंड, आज आपको दिखा देगा थोड़ा. टीचर कंपाउंड है, ये गर्ल्स हॉस्टल है, ये प्रिंसिपल सर के क्वार्टर है, और यहाँ में टीचर फैकल्टी लोग का क्वार्टर है. जितना भी यहाँ में स्टाफ लोग है, यहाँ में भी स्टाफ के है. एंड ये बॉयज़ हॉस्टल, और ये गेट के बिल्कुल बाहर में, बिल्कुल सामने में मेरा रूम है. कभी आना चाहते तो आप आ जाइए, ये गेट के बिल्कुल ही पास में. तो जैसा कि आप मेरे बैकग्राउंड में देख सकते हैं, ये है असेंबली ग्राउंड. एंड फ़िलहाल तो नया बना रहे हैं, इसको भी अभी नया बना गया ग्राउंड को भी. फिलहाल तो अभी चलते हैं एनसीसी ऑफिस के अंदर और दिखाते हैं आपको कि क्या क्या है अंदर. सो चलिए आपको और दिखाते हैं अंदर क्या क्या है. चलिए मेरे साथ. देखिए यहाँ में कितना अच्छा अच्छा सामान है. एंड फिलहाल तो अभी एनसीसी लोग का ट्रेनिंग होने जा रहा है. ये सभी शाम शाम को हमेशा प्रैक्टिस करते हैं, सर लोग एंड स्टूडेंट्स लोग हमेशा प्रैक्टिस करते हैं. फिलहाल तो अभी एनसीसी का ट्रेनिंग जो हो रहा है तकरीबन 14 डेज के लिए होगा या 10 डेज के लिए होगा, आई डोंट एग्जैक्टली रिमेंबर. बट देख सकते हैं आप यहाँ में कुछ ट्रम्पेट्स है एंड पता नहीं एग्जैक्टली क्या है ये, लेकिन ये जो शायद शोल्डर में घूमते हैं मतलब बजाते हैं. यहाँ में माइक सिस्टम है, ये देख सकते हैं ऑफिस, सर का ऑफिस है. फिलहाल तो सर नहीं है अभी, तो चलते हैं यहाँ से. ब्रेला सर का एक्सपीरियंस बता दीजिए सर. हम बताइए फिलहाल सर, कितना साल हो गया आपको यहाँ में ऐसा टीचिंग? थैंक यू. फर्स्ट ऑफ ऑल माय नेम इज नाउंगज ब्रेला एंड आई एम सर्विंग हियर फॉर 17 इयर्स. बट इन दिस हाई सेकेंडरी स्कूल क्लास आई एम सर्विंग फॉर 4 इयर्स. 4 साल हो चुका है यहाँ पे, और यहाँ का वातावरण और जो टीचर्स हैं काफ़ी कोऑपरेटिव हैं, और बच्चे भी डिसिप्लिन में हैं. कभी कभी शरारत करते हैं लेकिन ऑलमोस्ट. और हमारा टीचिंग कब परफेक्ट आएगा, तब आएगा जब हमारा बच्चे, हम और बच्चे और तीसरा दैट इज द पेरेंट्स, तीन का दैट ट्रायंगल कॉर्पोरेशन, तीनों का अच्छा होगा तो शिक्षा का रफ्तार जो व्हील ऑफ द एजुकेशन का प्रोसीड आए एंड बेस्ट रिजल्ट विल कम फ्रॉम द स्टूडेंट्स आए. नहीं कह कहना चाहूँगा. राजदेव कुशवाहा, पीजीटी, 35 इयर्स एक्सपीरियंस इन पीजीटी सर्विस. मैं वो नहीं जो सब हैं, मैं तो वो हूँ जो कोई नहीं. अभी मतलब कितना साल और रिटायरमेंट मतलब बचा है सर? इस 35 इयर्स की सर्विस में मैं पहला सबसे पहले रोइंग हायर सेकेंडरी स्कूल में ज्वाइन किया. आफ्टर 5 इयर्स वहाँ से प्रमोशन एज ए पी जी टी खुंसा हायर सेकेंडरी स्कूल. आफ्टर कम्प्लीसन ऑफ 5 ईयर्स फिर वहाँ से न्यापिन हायर सेकेंडरी स्कूल फॉर 2 ईयर्स. फिर वहाँ से मैं 5 ईयर्स के लिए खसान का हायर सेकेंडरी स्कूल और प्रेजेंटली इस समय मैं पठान हायर सेकेंडरी स्कूल में हूँ. मैंने 35 ईयर्स की नौकरी अच्छी तरह से मुझे पूरी की और अभी रिटायरमेंट होने में सिर्फ 3 महीने बाकी हैं. और इस 3 महीने के इस सर्विस में दिसंबर 2023 में गुड बाय अरुणाचल और वेलकम टू पेंशन. धन्यवाद. अभी हम ऑडिटोरियम में आए हैं, जैसे कि आप लोगों सब टीचर से मिला दिया एंड प्रिंसिपल से भी मिलाएगा सोचा, प्रिंसिपल सर से भी, लेकिन प्रिंसिपल सर नहीं मिला. और हम लोग एनसीसी टीचर भी है सर बाहर में, तो वो भी बिजी है. कभी दिन हम लोग वो लोग के साथ भी इंटरव्यू करेंगे. एक्चुअली अभी जो एक्चुअली हम ऑडिटोरियम में आए हैं, तो यहाँ में आज कुछ ट्रेनिंग होगा, वही ट्रेनिंग को अटेंड करने के लिए हम यहाँ में आए हैं. देखते हैं कि क्या होगा अभी ट्रेनिंग में. पूरा बाउंड्री मार के रखा है, वॉल से पूरा बाउंड्री मार के रखा है. एक्चुअली वहाँ में दहोंग यूनिवर्सिटी बनाने का बात था लेकिन हो नहीं पाया, इनकम्प्लीट रहा. इसका क्या कारण है हमको समझ में नहीं आया. अगर वो हो जाने से तो खलकतंग में एक यूनिवर्सिटी भी हो जाना था एंड बहुत ही
अच्छा बात है, एक टाउन खलकतंग एरिया में, मोन एरिया में एक धाउंग यूनिवर्सिटी होने से भी बहुत ही अच्छा होना था। एंड बहुत ही अच्छा लोकेशन है, आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छा लोकेशन है। क्यों नहीं हो पाया मैं नहीं जान पाया इसका कारण, लेकिन भी यहाँ में बनाने का बात तो चल रहा था। अपने स्टूडेंट के साथ है, अपना नाम बता दो और आज का दिन बता दो, आपने ये ड्रेस क्यों पहना है? मैंने तो आज ड्रेस पहन के साथ तो हमें बहुत काम किया था। और बताओ मतलब कितना क्लास में है? एजी एस है ना, हमारा एजी एस। अपना फुल नाम क्या बोला था आपने? कुंजंग तोपगे कोची। एजी एस है हम लोग खलकतंग गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी का, और ये इनके साथ ही। थैंक यू। हमारे बच्चे पूरा कैडेट्स पूरा जोश के साथ पूरा ट्रेनिंग हो रहा है। मैं अभी जो एक्चुअली ये लोग को कुछ उठाने दे रहे हैं, यही है ट्रेनिंग है। Check!